क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच इस सीरीज का पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच आज मैनचेस्टर के मैदान में शुरू होगा। कल दिन भर कई तरह की चर्चाएं रही, मैच होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, कई सारे इफ एंड बट्स थे। और लेकिन इस मैच से ठीक पहले अंग्रेजों ने जो शर्मनाक, जो कायराना घटिया हरकत की, उसकी दुनिया भर में थूथू हो रही है। अंग्रेजों ने भारतीय टीम से कह दिया कि मैच मत खेलो, बिना खेले हार मान लो और इंग्लैंड को टेस्ट मैच गिफ्ट कर दो, वॉकओवर दे दो और सीरीज 2-2 से बराबर हो जाएगी। जिसके बाद तो बवाल हो गया। नाराज कप्तान विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा ने अंग्रेजों को औकात बता दी। तो क्या क्या हुआ मैनचेस्टर में, हंगामा क्यों, इंग्लैंड वॉकओवर मांगने लगा, आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि इंग्लैंड की इस हरकत का जवाब कैसे दिया जाना चाहिए, कमेंट जरूर करें। इसमें टीम इंडिया 2-1 से आगे है और ये बात अंग्रेजों को पच नहीं रही है, क्योंकि घमंडी अंग्रेजों को अपने घर में हारने की आदत नहीं है। और इस बार भारतीय टीम ने जिस तरह का खेल दिखाया है, उसे अंग्रेज टीम के साथ साथ उनका बोर्ड, उनका देश भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और इसीलिए तो पांचवे टेस्ट मैच से ठीक पहले बेहद घटिया हरकत पर उतर आए। अब पूरी कहानी कैसे और कहां से शुरू हुई वो भी समझिए। तो चौथे टेस्ट मैच के दौरान भारत के हेड कोच रवि शास्त्री समेत कई सपोर्ट स्टाफ कोविड पॉजिटिव हो गए, जिसके बाद सभी का टेस्ट किया गया लेकिन बाकी खिलाड़ी और स्टाफ नेगेटिव निकले और इसीलिए चौथा टेस्ट मैच पूरा किया गया। अब इसके बाद बुधवार को मैनचेस्टर में सैंपल लिया गया, जिसमें गुरुवार की सुबह रिपोर्ट आई कि असिस्टेंट फिजियो योगेश परमार भी कोविड पॉजिटिव निकल गए हैं। जिसके बाद तो हलचल बढ़ गई और पूरी की पूरी भारतीय टीम को वापस से होटल भेज दिया गया। भारत के फाइनल प्रैक्टिस सेशन को रद्द कर दिया गया और सभी के एक बार फिर से सैंपल ले लिए गए। अब यहाँ पर कंडीशन ये हो गई थी कि अगर भारत के कुछ और खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव आते हैं तो फिर टेस्ट सीरीज होगी कैसे, यानी आईपीएल पर भी संकट के बादल मंडराने लगे कि आईपीएल में क्या होगा। जिसके बाद बीसीसीआई प्रेशर में आ गया, क्योंकि गलती रवि शास्त्री की थी जो सब पर भारी पड़ रही थी। अब यहाँ पर बीसीसीआई ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बात की और प्रपोजल रखा कि आखिरी टेस्ट मैच को रद्द कर देते हैं और खिलाड़ियों को उभरने का मौका देते हैं और आईपीएल को तय समय पर कराएंगे। अब टीम इंडिया वैसे ही परेशान थी और ऊपर से पूरा आईपीएल दांव पर लगा था, लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजों ने हेल्प करने के बजाय उल्टा टीम इंडिया पर, बीसीसीआई पर कई बोझ डाल दिए, बदतमीजी की हद पार कर दी। इंग्लैंड बोर्ड की तरफ से 2-2 कहा गया कि टेस्ट मैच तो होगा, भले ही भारत के 10 खिलाड़ी पॉजिटिव आकर टीम से बाहर क्यों ना हो जाएं, और अगर भारत मैच नहीं खेलना चाहता है तो इंग्लैंड को वॉकओवर दे दे, भारत बिना खेले ही हार मान ले और सीरीज 2-2 से बराबर हो जाएगी, इंग्लैंड को जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा। अब बीसीसीआई के अधिकारियों ने तो चुपचाप अंग्रेजों की बात सुन ली, क्योंकि गलती अपनों की थी, शास्त्री के कर्मों की सजा यहां पर भुगतनी पड़ रही थी। खैर, बीसीसीआई ने इसके बाद कप्तान विराट कोहली और नए नवेले उपकप्तान रोहित शर्मा से बात की और बताया कि इंग्लैंड बोर्ड वॉकओवर देने और हार मानने के लिए कह रहा है। अब इसी मीटिंग में कप्तान विराट कोहली तुरंत ही भड़क गए। विराट ने साफ साफ कहा कि हम वॉकओवर नहीं देंगे, हमारे भले ही सारे के सारे मेन खिलाड़ी टीम से बाहर हो जाएं, लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानेंगे। रोहित शर्मा ने तो ऑस्ट्रेलिया दौरे का एग्जाम्पल दिया और कहा कि वहां हमने तीसरे दर्जे की टीम के साथ सीरीज जीती थी, क्योंकि हमारे पास खिलाड़ियों के साथ साथ जीतने का जज्बा भी है। विराट और रोहित दोनों ने साफ कर दिया कि हम किसी भी कंडीशन में बिना खेले हार नहीं मानेंगे, अंग्रेजों को जीता हुआ घोषित नहीं करेंगे, हम खेलेंगे और हार जीत उसके बाद ही तय होगी। और यही बात बीसीसीआई ने भी साफ साफ इंग्लैंड बोर्ड को बता दी और इस बार तो ये भी कह दिया कि मैच होगा भले ही कैसे भी हो। अब इंग्लैंड बोर्ड दबाव में आ गया, क्योंकि बीसीसीआई ने बेहद सख्ती दिखाई थी, अपनी नाराजगी भी दिखा दी और भारत की नाराजगी बीसीसीआई की नाराजगी कितनी खतरनाक हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसे अच्छी तरह से जानता है। हालांकि देर रात तक भारत के खिलाड़ियों की रिपोर्ट भी आ गई और सभी खिलाड़ी कोविड नेगेटिव पाए गए। और बड़ी खबर यह है कि रोहित शर्मा भी फिट हो गए हैं, हिटमैन के घुटने की चोट ठीक है, हिटमैन यहां पर पांचवां टेस्ट मैच खेलते हुए दिखाई देंगे, जो कि और भी बड़ी खबर है। तो कुल मिलाकर अंग्रेज क्रिकेट बोर्ड ने भारत के साथ कायराना हरकत की, बेहद गंदी हरकत की और मैच में खेल से तो जीतने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी गंदी चालों से भारत को हराने की कोशिश की, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन विराट और रोहित ने उनके प्लान की हवा निकाल दी। अब उम्मीद करते हैं कि भारत पांचवां टेस्ट मैच भी जीते और सीरीज को 3-1 से अपने नाम करके अंग्रेजों को असली करारा जवाब दे।
तो आपका इस पर क्या कहना है, अंग्रेजों को कैसा जवाब देना बेहद जरूरी है, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो 10 सितंबर से एक बार फिर भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे और एक बार फिर से भारतीय टीम पूरी तरह से बदली हुई दिखेगी। अब क्या क्या बदलाव होने जा रहा है वो देखिए। सबसे पहले ओपनिंग पेयर की बात करते हैं, तो इस दौरे में भारत की ओपनिंग जोड़ी बेहद सफल रही है। रोहित शर्मा और केएल राहुल ने अद्भुत खेल दिखाया है, लेकिन मैनचेस्टर में ये जोड़ी टूटने जा रही है। जी हां, रोहित शर्मा के बाएं घुटने की दिक्कत अभी तक ठीक नहीं हुई है और लेटेस्ट खबर जो इंग्लैंड से आ रही है उसके मुताबिक रोहित को 5वें टेस्ट मैच में टीम से बाहर होना पड़ सकता है। हालांकि टीम इंडिया का सपोर्ट स्टाफ पूरी तरह से रोहित को ठीक करने में जुटा हुआ है, लेकिन संभावनाएं बेहद कम है। लिहाजा पहला बदलाव हिटमैन के रूप में हो सकता है और रोहित शर्मा की जगह पर मयंक अग्रवाल को यहां पर ओपनिंग करने का मौका मिलेगा और बेंगलुरु के दोनों दोस्त मयंक और राहुल यहां पर टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करेंगे। वैसे मयंक के लिए ये दम दिखाने का बड़ा मौका भी होगा, हालांकि आखिरी फैसला रोहित की फिटनेस के बाद टॉस से ठीक पहले ही लिया जाएगा। दूसरा बदलाव तीसरे ही नंबर पर होगा। जी हां, पुजारा के भी बाएं टखने यानी कि एंकल में चोट है और यहां तक कि पुजारा तो ओवर टेस्ट में दूसरी पारी में पट्टी बांधकर बैटिंग कर रहे थे और फिर आखिरी पारी में फील्डिंग के लिए भी नहीं उतरे और पुजारा की दिक्कत और ज्यादा बताई जा रही है, यानी कि पुजारा की प्रॉब्लम बड़ी है। पुजारा को ठीक करने की कोशिशें भी जारी है लेकिन उनके खेलने की संभावनाएं बेहद कम है। तो पुजारा भी यहां पर बाहर होंगे तो फाइनली हनुमा विहारी को टीम इंडिया में एंट्री मिलेगी और विहारी तीसरे नंबर पर आकर ठोस बल्लेबाजी करेंगे, तो साथ ही साथ स्पिन गेंदबाजी में भी अपना योगदान देंगे। चौथे नंबर पर कोई बदलाव नहीं है, यहाँ पर कप्तान विराट कोहली खेलेंगे जो कि अब फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके बल्ले से एक बड़ी पारी आनी बाकी है जो कि मैनचेस्टर में हो सकती है। पांचवें नंबर की बात करें तो लगातार फ्लॉप साबित हो रहे अजिंक्य रहाणे का भी बाहर होना तय है। रहाणे को पहले ही उपकप्तानी से हटाया जा चुका है और यहाँ पर रहाणे का फ्यूचर अब पूरी तरह से रोहित शर्मा और पुजारा के फिटनेस पर टिक गया है। वैसे तो टीम सूत्रों के मुताबिक रहाणे को बाहर करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, रहाणे की जगह पर सूर्य कुमार यादव को मिडिल ऑर्डर में फाइनली जगह मिलेगी और सूर्या पांचवें नंबर पर आकर बैटिंग करेंगे। लेकिन अगर रोहित और पुजारा दोनों ही बाहर होते हैं और टीम इंडिया मैनेजमेंट ये सोचता है कि अनुभव की टीम में कमी है तो फिर ऐसे में रहाणे की एक बार फिर से लॉटरी लग सकती है और करियर खत्म होने से ठीक पहले एक और टेस्ट मैच में मौका मिल सकता है, यानी कि रहाणे पांचवा टेस्ट मैच खेल सकते हैं बशर्ते कि रोहित और पुजारा दोनों बाहर हों और अनुभव को तरजीह देने की बात आए। हालांकि संभावना इसकी बेहद कम है, रहाणे का बाहर होना इतना लगभग ज्यादा संभावना बताई जा रही है। छठे नंबर की बात करें तो विकेट कीपर ऋषभ पंत ही यहां पर खेलेंगे और पंत ने पिछले टेस्ट मैच की आखिरी पारी में जो शानदार बैटिंग की थी वो बेहतरीन रही, लेकिन पंत की जो सबसे बड़ी खूबी सीरीज में नजर आ रही है उसकी अब तक बात ही नहीं हुई है। ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे बेहद शानदार खेल दिखाया है और किसी भी मौके को नहीं छोड़ा, यहां तक कि इंग्लिश कप्तान जो रूट तक ने पंत की विकेट कीपिंग की तारीफ की थी, यानी कि पंत का खेलना तो पक्का है, साथ ही साथ पंत की विकेट कीपिंग की भी तारीफ होनी चाहिए, ये बेहद जरूरी है। अब बात स्पिन ऑलराउंडर्स की करते हैं तो मैनचेस्टर में भी एक ही स्पिनर खेलेगा क्योंकि यहां पर भी तेज पिच है और दूसरी तरफ हनुमा विहारी खेलेंगे तो दूसरे स्पिनर वही होंगे। अब भले ही पुजारा फिट हो जाए तो भी विहारी को रहाणे की जगह पर एंट्री मिलेगी, तब सूर्या नहीं खेलेंगे, यानी कि हनुमा विहारी के खेलने की कंडीशन पक्की है। तो ऐसी हालत में सिर्फ एक स्पिनर होगा और वो स्पिनर रविचंद्रन अश्विन हो सकते हैं। जी हां, पहले चार टेस्ट मैचों में अश्विन को जगह नहीं मिली लेकिन यहां पर अब पांचवें टेस्ट मैच में अश्विन की खूबी के चलते भले ही उन्हें ना खिलाया जाए लेकिन जडेजा के वर्कलोड को कम करने के लिए अश्विन का खेलना पक्का है और अश्विन को फाइनली पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड में खेलने का मौका मिलेगा जो कि मैनचेस्टर के मैदान में होगा और शानदार मौका यह होगा अश्विन के लिए। और चौथा बदलाव यही टीम का होगा। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।